हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, आज हम गोपाल जी के लिए पिकॉक वाली ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही प्यारी ड्रेस है और ये ड्रेस हमने 2 और 3 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है, लेकिन आप ऑल साइज़ में इसे बना सकते हैं, बड़े इजीली बना सकते हैं। ये वाली ड्रेस में सिर्फ हमें एक पिकॉक के लिए 8 चेन चाहिए, तो इस मुताबिक हमें आखिरी वाले राउंड में रखना है। तो वैसे आप कितना भी घेरा आपको चाहिए वो आप बना लीजिए, फिर आखिरी राउंड में 8 के मुताबिक आपको रखना है, क्योंकि एक पिकॉक में हमारे 8 चेन यूज़ होंगी। तो देखिए, इस तरह से हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 9 को 8 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे, इतने हमारे इस आखिरी राउंड में डबल क्रोशेट चाहिए हमें। तो ऐसे करके आपको एडजस्ट कर लेना है आखिरी राउंड में, और ये वाला ड्रेस है वो बनाना स्टार्ट करेंगे हम। और यहाँ पर हमें मोती चाहिए आँख के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप धागे से भी आँखें बना सकते हैं। और मैंने 2 और 3 नंबर गोपाल जी की चोली बना करके रेडी रखी है, और ये चोली हमने बैक ओपन बनाई है। हमारे चैनल पे इसका वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अब हम जो बनाएंगे वो ये वाले पिंक कलर के साथ बनाएंगे। इस वाले पिंक की जगह हम ये वाला पिंक डालेंगे, येलो की जगह येलो और ग्रीन की जगह ग्रीन, और कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चोली ज्वाइंट कर दी थी स्लिप स्टिच से, और इसके बाद हम स्लिप स्टिच करते हुए साइड तक जाएंगे। देखिए पास से ऐसे, दो और तीन नंबर गोपाल जी की चोली है ये, और हमारे चैनल पे सभी नंबर गोपाल जी की चोली अपलोड हो चुकी है। आप जो भी बनाना चाहते हैं वो चैनल पर जा करके देख सकते हैं, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डाल करके फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। हमें हर एक चेन में 2-2 बार बनाना है ऐसे, सेम चेन में फिर से डबल क्रोशिया ऐसे। तो हर एक चेन में 2-2 बार बना लीजिए और राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम यहाँ हमने देखिए हर एक चेन में 2-2 बनाया है, फिर यहाँ पर बीच में जो जगह है वहाँ पर भी एक बना देंगे ऐसे ऐसे। और अब हम 3 की चेन के साथ नहीं ज्वाइंट करेंगे, एक हमने एक्स्ट्रा बना दिया यहाँ पर। तो 3 की चेन को हमने पहले 1 डबल क्रोशिया काउंट किया था, तो इसे हम स्किप कर देंगे और पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। तो हमने यहाँ पर ज्वाइंट किया है वैसा लगेगा ही नहीं, गैप भी नहीं पड़ेगा बिल्कुल, देखिए। और इस तरह से हम फिर से नेक्स्ट में फिर से इसी जगह पर 3 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर 1 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट में 1 बार चेन करेंगे, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे, 1 चेन में 1 बार और 1 चेन में 2 बार। दूसरा राउंड हमें इस तरह से कंप्लीट करना है ऐसे, 1 चेन में 1 बार और नेक्स्ट में 2 बार। तो ऐसे ही राउंड कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है, और लास्ट में भी हम 2 बार बना देंगे। आखिरी 2 चेन में 2-2 बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 3 की चेन को स्किप करेंगे और पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। और अब तीसरा राउंड बनाएंगे, 1, 2 और 3, फिर से सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया ऐसे। और अब 2 चेन में 1-1 और 3री चेन में 2 बनाएंगे, लेकिन हम पहले गिन लेंगे आखिरी राउंड में यहाँ पर दूसरी राउंड में कि इस राउंड में कितने हमारे डबल क्रोशे है, और तीसरे राउंड में हमें कितने बढ़ाने से हमारे 8 से गुना करके जो आते हैं वो इसमें एडजस्ट हो जाते हैं। तो वैसे हम दूसरा राउंड गिन करके इसे एडजस्ट करेंगे। देखिए, हमारे दूसरे राउंड में 49 है, और अब हमें 8 हमारे अगर पिकॉक आएंगे मोर, हमारे 8 आएंगे तो हमारे 8 से 8 को गुना करेंगे तो 64 आएंगे, 64। तो हमें 15 डबल क्रोशे तीसरे राउंड में बढ़ाने हैं, 64 कर देने हैं 64। तो इस तरह से हमने गिन लिया है, और अब हम इस तरह से बनाते जाएंगे। 2 छोड़ करके तीसरी में
दो तो बनाने ही है हमें, दो चेन में एक एक और तीसरी चेन में दो, ऐसे ही तो करेंगे, लेकिन साथ में गिनते जाएंगे क्योंकि तीसरे राउंड में हमें 15 बार डबल क्रोशे बढ़ाने हैं। देखिए ऐसे यहाँ पर हमने ये तो हम यहाँ पर डबल क्रोशे को चेन में ही स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करते हैं, तो तीन की चेन को नहीं गिनेंगे, लेकिन यहाँ पर से हम डबल क्रोशे गिनते जाएंगे। ये जो हमारा पहला डबल क्रोशा है वहाँ से 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे हो गए हैं। तो ऐसे ही आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए अपने हिसाब से, जैसे आपको रखना पड़े वैसे आप कर दीजिए और 64 डबल क्रोशे बना दीजिए तीसरे राउंड में ऐसे। तो देखिए राउंड को कंप्लीट कर दिया है और कहीं पर हमने 3 छोड़कर चौथी में भी बढ़ाया है और कहीं पर हमने यहाँ पर आखिरी में देखिए 2 बनाए, फिर 1 बनाए, फिर 2 बनाए, इस तरह से भी एडजस्ट कर लिया है। तो अपने हिसाब से हमें एडजस्ट करना है, घेरे में कोई बल या तो खिंचाव नहीं आना चाहिए, इस तरह से हमने किया है। और यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच राउंड को ज्वाइंट कर देंगे और इस धागे को यहाँ पर से हमें काट देना है। और यहाँ पर से हम देखें यहाँ से कहीं से भी हम पिकॉक बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हम पिंक धागा लेंगे, ऐसे करके पिंक धागे से हमें स्टार्ट कर देना है ऐसे चेन ली, और फिर यहाँ पर 2 बार धागा घुमाएंगे और फिर यहाँ पर 1 और 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डाल करके ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे 2-2 बार करके 3 बार निकालना है हमें, ऐसे कर दिया। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, फिर लूप लेंगे और इसी ट्रिपल क्रोशे के ऊपर हमें इस तरह से 10 बार लूप लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 10 बार हमने इस तरह से कर दिया। अब हमें 4 पार्ट में इसे निकाल देना है। देखिए लूप लिया, थोड़े से निकालेंगे, हमारे अंदाजे से हमें निकालना है, इस तरह से निकाल दिया, फिर एक बार चेन बना लेंगे, फिर से थोड़े से निकाल देंगे ऐसे करके, फिर से एक चेन बना देंगे, फिर से आधे निकाल देंगे जितने हैं इसमें से ऐसे, और फिर से एक चेन बना लेंगे और फिर सारे निकाल देंगे। तो 4 पार्ट में हमने इसे कर दिया, देखिए 4 बार निकाला थोड़े थोड़े से। और अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर क्रोशे को डालना है। देखिए यहाँ जो इसका पहला लूप है इसके अंदर हम क्रोशे को डालेंगे और इस चेन को इस तरह से पकड़ लेंगे और इस लूप को खींच करके हमें इसके अंदर लाना है ऐसे ऐसे, इसके अंदर ले लिया। और अब हमें इसे सिंगल क्रोशा कर देना है इस वाले सर्कल के अंदर, ऐसे करके सर्कल के अंदर सिंगल क्रोशा बना देंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर 1 और 2 चेन लेंगे और जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए इसी के 2 लूप उठा करके स्लिप स्टिच बना देंगे और फिर से इसी के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 और ये 2 2 बार सिंगल क्रोशे बना दिए। अब हमें यहाँ से येल्लो धागा लेना है, देखिए मोर के जो सर पे वो होते हैं फेदर, इसके अंदर हमें यहाँ पर से हमने देखिए 2 सिंगल क्रोशे बनाए, फिर 3 चेन बनानी है, 1, 2 और 3 चेन बना ली और इसके बाद येल्लो धागा लेना है यहाँ से ऐसे, और जो पहली चेन है हमारी इसके अंदर से ऐसे करके 1, 2 और ये 3 ऐसे करके हमें 3 बार लूप लेना है और फिर से येल्लो धागे को हम छोड़ देंगे और फिर से पिंक धागे से हमें कंप्लीट करना है ऐसे ऐसे कर दिया। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3 और इसी के अंदर देखिए जो पहली चेन में हमने स्टार्ट किया था वहीं पर से हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, और फिर से जो हमारा सिंगल क्रोशिया था पहला
इसी के दो स्टिच जो है इसके ऊपर से हम फिर से स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर से एक दो और तीन चेन और फिर से येल्लो धागा लेंगे और जैसे हमने पहली बार किया था वैसे ही हम यहाँ पर पहली चेन में करेंगे एक दो और ये तीन। फिर से पिंक धागा लेंगे, पिंक से कंप्लीट करेंगे, फिर से एक दो और तीन और पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच ऐसे। और अब हमें यहाँ पर से देखिए दोनों धागे अब हमें काट देने हैं, येलो धागे अब हम यहाँ से काट देंगे, किसी की नोट भी ना लगाएंगे तो भी ये निकलेंगे नहीं, तो यहाँ पर से हम दोनों धागे काट देंगे ऐसे। और अब हम यहाँ पर हमने एक बार यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया और अब हम यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर अब हमें हॉल में नहीं बनाना, ये जो हमने चार लूप बनाए थे इसके पहले लूप के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। देखिए और फिर से नेक्स्ट वाले लूप में नेक्स्ट वाले लूप में भी स्लिप स्टिच, फिर से स्लिप स्टिच ऐसे चार बार स्लिप स्टिच हमने बना दिए। और अब हम यहाँ पर आखिरी में फिर से पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार और ये पांच। पांच चेन बनाने के बाद वापस से यहाँ पर हम क्रोशे को आखिरी चेन के अंदर डालेंगे और इस लूप को लेकर के आएंगे और यहाँ पर निकाल देंगे और फिर यहाँ पर एक और दो चेन बना देंगे। दो चेन बनाने के बाद लूप लेंगे और इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे छः बार एक दो तीन चार पाँच और ये छः। छः बार हमने डबल क्रोशे बना लिए। अब हमने जो ये पहला यहाँ पर स्टिच किया था तो इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। देखिए स्लिप स्टिच कर दिया और अब हम नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर हमने जॉइंट किया है, इसके बाद नेक्स्ट में पांच चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए पहले में किया फिर दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा। पांच बार हमने सिंगल क्रोशे कर दिए। यहाँ पर फिर से हमारा येल्लो धागा आएगा तो यहाँ पर से फिर से हम येल्लो धागे से बनाएंगे। इस एक्स्ट्रा धागे को काट दिया और अब हमारा येल्लो धागा हम लूप लेंगे इसके अंदर और फिर यहाँ पर जो हमने दो चेन बनाई थी पहले इस दो चेन के बीच में हम देखिए इस हॉल है इसके बीच में हमने डाला और यहाँ पर एक और दो चेन बनाई फिर लूप लिया इसके अंदर डालेंगे आगे के दो निकाल देंगे। फिर से डाला आगे के दो निकाल देंगे फिर तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से दो चेन लेंगे इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से एक और दो चेन लेंगे अगले वाली चेन के ऊपर, देखिए अगली वाली जो चेन है हमारी इसके ऊपर ऐसे करेंगे वापस से दो बार फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर से एक और दो चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से दो चेन लेंगे और नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर ऐसे ही बना देंगे ऐसे फिर से निकाल देंगे। फिर से दो चेन लेंगे और इसी के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से दो चेन लेंगे नेक्स्ट वाली चेन में ऐसे ही बना देंगे। आगे के दो निकाल देंगे फिर तीनों को एक साथ। फिर से दो चेन इसी के अंदर स्लिप स्टिच। फिर से दो चेन अगले वाले चेन में वैसे ही बना देंगे जैसे हमने हर वक्त बनाया था। टोटल हमारा छः बार बनेगा
दो चेन ली, इसी के अंदर स्लिप स्टिच, फिर से दो चेन अगली वाली चेन में वैसे ही बना देंगे, ऐसे तीनों को एक साथ निकाल देंगे, दो चेन इसके अंदर स्लिप स्टिच। इस धागे को लंबा खींच करके काटना है हमें। तो देखिए हमारा पिकॉक बन करके रेडी हो गया है, देखिए। और अब हम इस धागे को लंबा खींच करके काट देंगे। और अब हम येलो धागे को हमें काटना था ऐसे, और इस धागे की हमें नीडल में पिरो करके नॉट लगानी है, लेकिन सारे पिकॉक बन जाने के बाद। और यहाँ पर हमने 5 बार सिंगल क्रोशे बना दिए। अब हम दूसरा पिकॉक बनाएंगे ऐसे। तो यहाँ पर और एक बार पिकॉक देख लीजिए, और यहाँ पर देखिए जॉइंट होता जाएगा, इसकी जो चोंच है वो इस फ्लावर के साथ अटैच होंगी। तो दूसरा भी देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा किस तरह से बनेगा, और आप अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 बार बना दिया सिंगल क्रोशिया, फिर 2 बार धागा लेंगे, यहाँ पर 2 चेन, 1 और 2 स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में डाल करके 2-2 करके 3 बार निकाल देंगे, जैसे हमने वो वाला पिकॉक बनाया था वैसे ही। 2 चेन लेंगे और 10 बार इसके अंदर से निकाल देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब हमें 4 पार्ट में थोड़े थोड़े करके निकाल देने हैं, ऐसे करके थोड़े से निकाल दिए, एक चेन बना दी, फिर से दूसरा, फिर से तीसरा और ये चौथा, 4 बार हमने निकाल दिए। फिर से हम 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाएंगे, और पहले लूप में डाल करके ऐसे करके यहाँ पर ऊपर से जो पहला लूप है हमारा इसके अंदर हमें डाल देना है, और यहाँ से इस तरह से चेन को पकड़ के निकाल देना है ऐसे इस साइड ऐसे। फिर इसी लूप के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बना देना है, ऐसे करके सिंगल क्रोशिया बना देंगे, फिर 1 और 2 चेन बनाएंगे। और यहाँ पर से हमने 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर जो हमारी एक और एक दूसरी पत्ती है इसके आखिरी में इस चेन में डाल करके यहाँ पर इस चेन को खींच लेना है, और जो यहाँ पर पहली चेन ली थी हमने इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देना है, और फिर जो हमने सिंगल क्रोशे बनाए थे इसके 2 लूप उठा करके फिर से एक बार स्लिप स्टिच करनी है, और फिर से इसके अंदर हॉल में 2 बार हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। तो वैसे हमारे फ्लावर के साथ इस मोर की चोंच है वो अटैच होती जाएंगी। और फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है, और फिर येलो धागा लेना है, ऐसे करेंगे, 3 चेन ली, और अब येलो धागा जैसे हमने पहले बनाया था वैसे हम फिर से यहाँ पर पहली चेन में, देखिए 3 चेन है इसकी, पहली चेन में डाल करके ऐसे करेंगे, 1, 2 और 3। फिर से पिंक धागा लेकर के इसे कंप्लीट करना है, 1, 2 और 3 चेन लेनी है, फिर से इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच करना है, और फिर से ये जो सिंगल क्रोशे के 2 लूप है इसे भी उठा करके स्लिप स्टिच करना है, और 3 चेन, 2 और 3। फिर से येलो धागे से वैसे हमने बनाया था इसी तरह से लूप लेंगे, और पहली चेन में डाल करके ऐसे करेंगे 3 बार, 2 और 3। फिर से पिंक धागे से कंप्लीट करेंगे ऐसे, 1, 2 और 3 चेन, जहाँ पर से स्टार्ट किया था वहीं पर स्लिप स्टिच, और फिर से अब हमारा ये कंप्लीट हो गया, देखिए इस तरह से कर दीजिए। और फिर ये जो हमने 4 लूप बनाए थे इसके पहले लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, फिर नेक्स्ट में करेंगे ऐसे, हर एक चेन में एक एक बार स्लिप स्टिच करते जाएंगे, 4 बार करनी है हमारे ऐसे।
और फिर से यहाँ पर पांच चेन बनाएंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर हम वापस से जॉइंट कर देंगे ऐसे करके, और फिर एक और दो चेन बनाएंगे, और इसी हॉल के अंदर हमें छः बार डबल क्रोशे करने हैं, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, छः बार डबल क्रोशे हो गए। अब हम यहाँ पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसी चेन के अंदर डाल करके जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच, और फिर नेक्स्ट पांच चेन में हमें एक, नेक्स्ट में दो, नेक्स्ट में तीन, नेक्स्ट में चार, नेक्स्ट में पांच, पांच बार हमने फिर से सिंगल क्रोशिया बना दिया। और अब हम इन दोनों येलो धागे को काट देंगे ऐसे, और अब हम यहाँ पर देखिए फिर से ये जो येलो हमने बनाया था वैसे ही हम यहाँ पर बना देंगे, और फिर से जब दूसरा पीकॉक स्टार्ट करेंगे तो उसकी चॉइस को हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे जैसे हमने ए वाली की थी। तो ऐसे ही आप पूरा ड्रेस कंप्लीट कर दीजिए, देखिए बहुत ही प्यारी लगती है पीकॉक देखिए। तो ऐसे ही ड्रेस को कंप्लीट कर दीजिए, फिर इसका जो जॉइंट करना कैसे होता है वो मैं आपको बता दूँ। तो देखिए ये वाली ड्रेस हमने एक बना करके रेडी रखी है, और इसमें हमने देखिए यहाँ पर सारी नॉट भी लगानी यहाँ पर बाकी रखी है, क्योंकि आपको बता सके हम यहाँ पर हर फ्लावर में हमें धागा काटना पड़ेगा, बाकी का फ्लावर में धागा तो हमने नॉट लगा दी है लेकिन एक में हमने बाकी रखा है क्योंकि आपको दिखा सके। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम ये वाला यहाँ पर देखिए आखिरी में हमारे जो सिंगल क्रोशे बनेंगे पाँच बार वो हमारे बन गए हैं, और यहाँ पर जो स्टार्ट में हमारा स्टार्टिंग जहाँ पर किया है वहाँ पर आखिरी वाला सिंगल क्रोशा बनाया, और इसके बाद धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे यहाँ पर वैसे जॉइंट करना है, और इसी पिंक धागे को हम नीडल में पिरोएंगे, और आखिरी वाले जो पिकॉक है इसकी चौंस हमें इसके साथ अटैच करनी है देखिए ऐसे। तो आखिरी वाला तो यहाँ पर जॉइंट नहीं होगा तो इसलिए हमें नीडल की मदद से इसे जॉइंट करना पड़ेगा। तो देखिए यही धागा हमने निडल में पिरो लिया है जो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होने के बाद हमने काटा था, तो नीचे की ओर निकाल देंगे ऐसे करके, और फिर यहाँ पर इसके अंदर डाल करके थोड़े से लूप में लेते जाएंगे और चौंस की तरफ इसे लेके जाएंगे, और इसी धागे से हम ये वाला भी दोनों जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर निकालने के बाद देखिए ऐसे करेंगे, इसके बीच में से निडल को निकालेंगे ऐसे, और फिर ऐसे करके यहाँ पर हमारा जो ये दूसरा ये जो हमारी छह पत्ती बनती थी इसमें पहली और दूसरी पत्ती में हमें इसे डाल करके इसे जॉइंट कर देना है ऐसे, निडल की मदद से हमें इसे जॉइंट करना पड़ेगा क्योंकि आखिरी में तो हमारा क्रोशे से नहीं होगा ऐसे। दूसरी बार और एक बार डाल करके फिर से अच्छे से अटैच कर देंगे ऐसे, और अब हम धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर नॉट लगा देंगे देखिए ऐसे कर दिया। अब हम इसी धागे को इसी के अंदर थोड़ा सा घुमा फिरा करके नॉट लगा देंगे, फिर धागे को काट देंगे ऐसा करेंगे इस तरह से ऐसे, अब हम धागे को काट देंगे। तो देखिए पिंक धागा भी हमने नीडल में पिरो लिया है, और यहाँ पर से डाल करके नीचे की ओर निकाल देंगे, हर बार हमें ये वाला पिंक बना करके धागे को काटना पड़ेगा। तो सारे धागे की नॉट हमने इसी तरह से लगाई है देखिए, यहाँ पर इसी फ्लावर के अंदर हमें घुमाना है, और फिर बीच बीच में नॉट भी आप लगाते जाएंगे, और फिर यहाँ पर से धागा काट देंगे ऐसे, वापस से फिर से इसी के अंदर घुमाएंगे। तो ऐसे करके आप धागे को नॉट लगा दीजिए फिर काट दीजिए ऐसे, नीडल की मदद से हम नॉट लगाएंगे तो ये अच्छे से हो जाएगी देखिए ऐसे। तो देखिए अब हम यहाँ पर मोती लगाएंगे ऐसे करके, यहाँ से उल्टे से पहले से हम धागे को स्टिच कर देंगे ऐसे,
स्टिच कर दिया, फिर यहाँ पर से राइट साइड में नीडल को निकाल देंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर से निकाल देंगे और यहाँ पर मोती लेकर के लगा देंगे। ऐसे करके सारे पिकॉक में हमें मोती लगा देना है। और इस धागे को हम घुमा के देखिए, इसी के अंदर हम ऐसे ही घुमाते हुए लेके जाएंगे, क्योंकि हमें नॉट नहीं लगानी पड़ेगी, बार बार धागा काटना नहीं पड़ेगा। इस तरह से हम एक दूसरे के अंदर ले जा करके फिर दूसरे वाले पिकॉक तक हम चले जाएंगे। तो ऐसे ही करके सारे पिकॉक के अंदर हमें लगा देना है। देखिए तो यहाँ तक हम दूसरे वाले पिकॉक की आँख तक हम आ गए हैं, तो वैसे ही हम लगा देंगे सारे यहाँ पर। देखिए ये लगा दिया, फिर यहाँ पर निकाल देंगे और फिर से यहाँ पर लगा देंगे। तो वैसे ही सारे में लगा दीजिए। तो देखिए सारी आँखें हमने लगा दी है और बहुत ही अच्छी सी ड्रेस बन करके रेडी हो गई है। और ये हमने दोनों बनाई है, दो और तीन नंबर गोपाल जी के लिए, लेकिन आप किसी भी साइज़ गोपाल जी के लिए बड़े आराम से ड्रेस बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, इस तरह से एक पिकॉक में हमारे 8 डबल क्रोशे यूज़ होंगे, और इसी तरह से हमने ये वाली ड्रेस बनाई है। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।